दोस्तों, मैं जय कुमार आदिदार टिवाल ब्लॉग चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम आए हैं हरिद्वार और हरिद्वार में घूमने के लिए आए हैं। तो यहां पे जो भी चीज़ है घूमने के आपको दिखाया जाएगा बड़ी गहराई से। तो देखना वीडियो को लास्ट तक, अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना। तो दोस्तों, अब आप देख सकते हैं, अब हम हैं फिलहाल हरिद्वार के रेलवे स्टेशन पर और ये है हरिद्वार का रेलवे स्टेशन। तो अब हम यहाँ से चलते हैं। तो दोस्तों, अब चलते हैं रेलवे स्टेशन से बाहर चलेंगे और जैसे जैसे आगे जाएंगे आपको दिखाते जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ये देखिएगा दोस्तों, हरिद्वार रेलवे स्टेशन का कुछ नज़ारा। ये हमारे दोस्त आए हैं दोनों, तो वो आगे आगे चल रहे हैं, मैं थोड़ा वीडियो बना रहा हूँ। ये देखिए रेलवे स्टेशन, और अब आप शिव जी महाराज के दर्शन कीजिएगा। ये देखिए दोस्तों, कितनी अच्छी अच्छी आ रही है। तो अब देखिए, आपको शिव जी की दूसरी प्रतिमा दिखाते हैं, मतलब इतनी बहुत ही सुंदर है, बहुत मनमोहक प्रतिमा है ये। तो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं हर की पौड़ी पर। तो चलो अब अंदर चलते हैं और यहाँ पे कला चल रही है। तो दोस्तों देखिए, गंगा नदी की पहली झलक देखिए। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं गंगा नदी का पानी कितनी तेज रफ्तार से चल रहा है, बहाव देखिए पानी का कितना तेज है। ये देखिए दोस्तों, तो आप देख सकते हैं, मतलब गंगा नदी कितनी तेज उफान पे है, बहुत तेज बहाव आ रहा है और इस टाइम पे मतलब बारिश होती रहती है यहाँ, बहुत अच्छा नज़ारा है वैसे। तो अब चलते हैं ऊपर की ओर, पहाड़ी के ऊपर जो मंदिर है उसमें चलेंगे। तो अब हम आ चुके हैं मनसा देवी का जो मंदिर है उसका जो मेन द्वार है वहाँ आ चुके। अब यहाँ से हमारी पद यात्रा शुरू करेंगे। ये देखिए बाजार की रौनक, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलते हैं यहाँ पे। तो धीरे धीरे चलेंगे, बताते जाएंगे आपको। तो अब हम, बारिश आई थी यहाँ तो बारिश में भीग चुके। तो अब उमेश ने कपड़े निकाले और बनियान बनियान में चल रहा है और ऊपर ये इसको उड़न खटोला बोलते हैं। तो पैदल पैदल चल रहे हैं। अब यहाँ देख सकते हो गंगा नदी बहुत बड़ी दिखाई दे रही है। तो अब हम यहाँ आ चुके हैं मनसा देवी के मंदिर में और ये है बाजार, छोटा सा बाजार है। तो अब चलते हैं, ये मेन गेट है और लाइन में लग रहे हैं। तो अब देखते हैं अंदर, फ़ोन अलाउड तो नहीं है। तो हमने दर्शन कर लिए माता के, तो अब चलते हैं नीचे। ये है हरिद्वार में मेन घाट है जिसको हर की पैड़ी बोलते हैं। तो यहाँ हम स्नान करेंगे, ये हरिद्वार में मेन जगह है, हर की पैड़ी बोलते हैं इसको।
यहीं श्रद्धालु आते हैं। तो अब चलते हैं नीचे, स्नान करेंगे फिर। ये देखिए शाम के टाइम का नज़ारा, मतलब कि लाइटें गंगा नदी के ऊपर ऐसे लाइटें गिर रही हैं, बहुत अच्छा नज़ारा दिखाई दे रहा है यहाँ से। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हम यहाँ आ चुके हैं, अब हम नहाएंगे। ओके, तो अब ये हमारा दोस्त विजय महाराज नहा रहा है, देखो बहुत ठंडा पानी है। तो अब यहाँ पे देखिए सेल्फी वेल्फी ली जा रही है, बहुत ही अच्छा नजारा है यहाँ पे। ये हमारे दोस्त ही सेल्फी ले रहे हैं। ये देखिए अब ये है घंटाघर है यहाँ का, ये भी बहुत अच्छा दिखाई देता है यहाँ से, सेल्फी वेल्फी ले इसके साथ। तो अब देखो ये कितना तेज बहाव है पानी का, मतलब कितनी तेज रफ्तार है यहाँ से। तो ये गंगा नदी की इतनी रफ्तार देखकर मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो अब हम हरिद्वार से यहाँ ऋषिकेश आ चुके हैं बाय ट्रेन, करीब 25 किलोमीटर के दूर है। तो आप देखिए ये हरिद्वार में गंगा नदी देखिए कितनी अच्छी लग रही है, देखो। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अब हम आए हैं राम झूला के ऊपर, इसको राम झूला बोलते हैं, और ये गंगा नदी के ऊपर है, ये काफ़ी हिलता है तो इसलिए इसको राम झूला बोलते हैं, कोई पिलर पे नहीं खड़ा ये। और अब हम चलते हैं और नहाएंगे नीचे, स्नान करेंगे गंगा नदी में। तो अब आगे की वीडियो देखना, बहुत मज़ा आने वाला है। दोस्तों आप देख सकते हैं ये है शिव की प्रतिमा। तो आप यहाँ पानी की रफ्तार देख सकते हैं कितनी तेज पानी की रफ्तार है। और ये है बजरंगबली की प्रतिमा, तो देखिए कितनी शानदार लग रही है, यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगता है। और अब हम आ चुके हैं नीलकंठ की पहाड़ी की शुरुआत है। और अब आप देख सकते हैं ये है छोटा सा झरना है जो नीलकंठ की पहाड़ी पे हम चलते हैं ना, तो शुरू में ही आता है, और आगे भी है काफ़ी बड़ा झरना है, तो दिखाएंगे आपको आगे आगे। और अब हम आ चुके हैं रास्ते में बीच में, तो आप देख सकते हैं हम पहाड़ी की आधी चढ़ाई तो हमने कर ली, वो गंगा नदी दिख रही होगी आपको लास्ट में। तो चलिए अब, तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं नीलकंठ की करीब 13 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ के, बहुत ऊँची है पहाड़ी, तो हमें करीब 5 से 6 घंटे लगे पैदल चलने में। तो अब हम 13 से 14 किलोमीटर ऊपर आ चुके हैं, और अब आपको नीचे दिखाई दे रहा है यहाँ पे है शिव जी की प्रतिमा, मेन मंदिर है ये। और अब नीचे चलेंगे, आपको नीलकंठ के दर्शन कराएंगे जितना हो सके उतना। तो अब हम आ चुके हैं लाइन में, तो यहाँ बता रहे थे कि अंदर फ़ोन अलाउड नहीं है, तो हो सकता है हमें गेट पर ही वीडियो बंद करनी पड़े, क्योंकि अंदर फ़ोन अलाउड नहीं है, यहाँ पे काफ़ी पुलिस फोर्स होती है, तो इसीलिए हमें जहाँ तक होगा वहाँ तक दिखाएंगे आपको, ठीक है।
तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं नीलकंठ के मेन द्वार पर और हमें कैमरा यहीं बंद करना होगा क्योंकि अंदर फोन अलाउड नहीं है। तो हमने अब दर्शन कर लिए, अब हम बाहर आ चुके हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसी लगी, तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें।